नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चाचा चौधरी और राका का हाइड्रोजन बम, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 34 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। धड़ाम, आ हुर्रे, क्या थ्रिलर है। राका, उठो और उनको बताओ कि तुम्हारे साथ बदसलूकी की सजा क्या है। मछड़ो, तुमने मेरे गुस्से को जगा दिया है। ओह, वो हमारी तरफ आ रहा है, दौड़ो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अगली फिल्म में चांस दूंगा। राका किसी को नहीं बकसता। उसने अकारा को पकड़ लिया। बचाओ, भागो। काम खत्म हुआ, जाने की तैयारी करो। बचाओ। हीरोइन को लेकर ट्रक चल देता है। दूसरे दिन, चाचा जी, राका ने मशहूर एक्ट्रेस अकारा को बंदी बना लिया है, और उसकी रिहाई के लिए उसने 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस बिल्डिंग को घेर लिया है। इंस्पेक्टर मोजा, मेरे ख्याल से हमें चाणक्य नीति से काम लेना चाहिए। अब हमें चलना होगा। रुको, हम फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रतिनिधि हैं। एक्ट्रेस अकारा की 1.5 दर्जन फिल्में अंडर प्रोडक्शन है। अगर उसे मार दिया गया तो राका जो पैसा रैंसम में डिमांड कर रहा है उसे कई गुना ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। हम पैसा देकर एक्ट्रेस को छुड़ा लेते हैं, कोई खून खराबा नहीं होगा। सवाल पैसे का नहीं, जिंदगी का है। हर इंसान की लाइफ मूल्यवान है। आपकी हीरोइन सही सलामत आ जाएगी, मेरा वादा है। आओ चले। राका, हम तुमसे बात करने आए हैं। धमाए, ओ, मेरा जवाब ये है चूहे। मेरे बिल्डिंग के चारों तरफ कमांडो तैनात करके शांति के लिए कह रहे हो? धोखेबाज। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हट जाएं। मैं ट्रक भरकर तुम्हारे लिए फिरौती की रकम लाया हूं, इसे ले लो और लड़की को रिहा कर दो। मैं पहले ट्रक खोलकर पैसा देखूंगा। छपाक, धोखा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। आओ, तुम सुरक्षित हो। थैंक्स। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मेरा बंदी, उसे पकड़कर ही दम लूंगा। साबू टांग बाधा डालता है। मेरे काम में रुकावट डालना मौत को बुलाना है। धाएं, थर्ड, ओह, मैं तुम्हारे खून से कुल्ला करके उसे थूक दूंगा। धड़ाक, ये लो दाया, बड़ाक, अब तुम्हारी और नहीं चलेगी। मेरा हाथ ना मोड़ो। ये बाया कैसा रहा? सटाक, साबू, बेहोश राका को डगडग पर ला दो। इसे जेल में डालेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। डगडग, सॉरी, दो भीमकाय आदमियों को लाद कर ले जाने में तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। हमारा अगला मेहमान कोई बड़ा आदमी लगता है, वो राका है। सुना है वो मर नहीं सकता। मौत ना सही, उम्र कैद ही सही। ऑफिसर, कैदी पर कड़ी सिक्योरिटी रखना, वो खूंखार है। उधर, डाकू राका को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया है। गुरु गोरन, कहाँ चल दिए? राका को छुड़वाने। उसके बिना हमारा दुनिया पर कब्जा करने का मकसद पूरा नहीं होगा। जेल की मेन गेट पर सिक्योरिटी टाइट है। बैंक पर शायद चांस लग जाए। पीछे की दीवार ऊंची है, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए इसे फांदना मुश्किल है। शायद ये तरकीब काम आ जाए। छलांग, हुर्रे, मैं अंदर हूं। शुक्र, मैं पानी लाया था। धन्यवाद गुरु। अब हमें कारावास से बाहर निकलना है। आगर, सूट, रट, टट टट। ओह, उसने शिकंजे उखाड़ दिए। ब्रेवो। दुनिया वालों, अब मेरा गुस्सा देखना। राका ने सेंट्रल जेल को आग लगा दी, जिससे सारे कैदी और सिक्योरिटी गार्ड्स जलकर राख हो गए। एजी, अंदर आओ। क्या हुआ बीनी? टीवी पर समाचार सुनो। कैदी बंद होने की वजह से जान बचाने के लिए भाग न सके और जलकर राख हो गए। चारों तरफ जलती लाशों की बदबू फैली है। जख्मी से ज्यादा दहशत फैलाता है।
चाचा जी फिक्र की कोई बात नहीं, हम राका को फिर से पकड़कर बंद कर देंगे। साबू ये उस डाकू का स्थायी हल नहीं, इसलिए मैं परेशान हूं। रॉकेट अजीब आवाजें क्यों बना रहा है? उसे कोई आने वाला खतरा दिखाई दे रहा है। इधर राका, अगर तुम्हारी ताजपोशी का टाइम आ गया है, राका अब तुम्हारी ताजपोशी का टाइम आ गया है, मैं उसके लिए उत्सुक हूँ। गोरन, मेरी भूतपूर्व साथी अकारा का भाई साल्डन उच्च कोटि का साइंसदान है। वो कभी एक यूरोपीय देश के हाइड्रोजन बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करता था। गवर्नमेंट साल्डन के काम से खुश थी, मगर उसके मन में कुछ और था। उसने हाइड्रोजन बम के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए और उस देश से गायब हो गया। जब चोरी का पता चला तो इंटरपोल साइंटिस्ट के पीछे लग गया। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भागता रहा। अंत में उसने हिंद महासागर के नीचे एक लेबोरेटरी बनाई और महानाशक बम को डेवलप कर लिया। वो बम हमारी उम्मीदें साकार करेगा। साइंसदान साल्डान उस बम से खुद क्यों नहीं दुनिया जीत लेता? वो डरपोक है, उसे अंदेशा है कि अगर वो विफल रहा तो वो मारा जाएगा, जबकि तुम्हारे साथ ये बात नहीं। ठीक है तो आओ चलें। मुझे पता है कि समुद्र के नीचे वो लेबोरेटरी कहाँ है। वो पनडुब्बी हमें अंडर वाटर ले जाएगी। राका और गोरन को लेबोरेटरी की तरफ ले जाया जाता है। साल्डन, आओ दोस्त गोरन, अपने साथी से कहो कि अपना सिर बचाए। एक हाइड्रोजन मिसाइल पूरे महाद्वीप को खत्म करने की क्षमता रखती है। सारी दुनिया को खत्म करने के लिए मेरे पास इनका काफी स्टॉक है। इनकी धमकी के आगे सारी सरकारें अपने आप सरेंडर कर देंगी। अर्र, ये क्या कर रहे हो? सर सर, इस एस्टेब्लिशमेंट को टेक ओवर। साल्डन, जाओ समुद्र में और किसी शार्क का भोजन बनो। तुमको अब हमारे अंडर काम करना होगा। सारे देश को मेल भेजो कि हमने मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर ली है। अगर 24 घंटों में तुमने सत्ता हमें नहीं सौंपी तो उनके छूटने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यूएनओ, पूरे विश्व को तबाह करने की हमें धमकी मिली है। ये धमकी राका से आई है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकती। हम दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमें दुश्मन के ठिकाने का पता नहीं। अब आप बताइए कि यह समस्या किसे सौंपी जाए। चाचा चौधरी, राका वर्ल्ड को तबाह करने वाला है। हम थ्रेड का प्रिंट लाए हैं। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। बीनी, कुछ टाइम के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। मुझे पता लगाना है कि इस ईमेल का उद्गम कहाँ है। मिल गया, ये कहीं हिंद महासागर के अंदर है। साबू, आओ हमें एकदम चलना है। चाचा जी, आपने मुझे कपड़े पहनने का वक्त भी नहीं दिया। सर, आपने हमें बीच समुंदर में उतारना है। आप दुनिया के जिस कोने में कहेंगे मैं ले चलूंगा। बस एक दिक्कत हो, आपका साथी जहाज के अंदर नहीं जा सकेगा, वो छत पर बैठेगा। वाह, क्या खूब मौसम है। चाचा चौधरी, आपको कहाँ ड्रॉप करूं? कुछ समुद्री नॉटिकल किलोमीटर्स आगे। जम छपाक, हमारी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले हमें राका का अंडरसी ठिकाना ढूंढना होगा। 24 घंटे बीत गए, मिसाइल्स को मैं फायर कर देता हूं, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। रुको, तुम तो बच जाओगे मगर मेरा क्या होगा? मैंने लालच में अपनी मौत खुद बुलाई। दरवाजा खोलो वरना गोली मार दूंगा। बेवकूफ, चाचा के खाली हाथ को पिस्तौल समझ बैठा। उल्टी गिनती चल रही है, बस 5 सेकेंड और। तुम यहां तक आ गए, अच्छा हुआ 2 सेकेंड में विश्व के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। धड़ाक, आओ। गिरते राका का हाथ ऑफ सीट से टकराता है और शुक्र है उल्टी गिनती रुक गई और प्रलय बच गई। नहीं, मैं ऑन बटन दोबारा दबा दूंगा। धाय, पहले मैं तुम्हें बीच में से हटाता हूं। औ सताक, ये कैसा रहा? उबा। साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मैं मिसाइल फायर करता हूं।
मैं उसे स्विच बोर्ड तक पहुंचने से पहले रोकने में कामयाब हो गया। मेरा हाथ मत मोड़ो रो साबू, रस्सी से इसको बांध दो। आप सब आजाद हैं, ये मिसाइल अस्तित्व के लिए खतरा है, इन्हें निष्क्रिय करना होगा। थैंक्स, ये कंप्यूटर से संभव है, ये हो जाएगा। राका के लिए वापस यात्रा शुरू हो जाती है। कमबख्तो, तुम मुझे ऑक्सीजन नहीं दी, पानी के अंदर मुझे सांस नहीं ली जा रही थी। बस जरा उन परिवारों को सोचो जिन्हें तुम मौत के घाट उतार देते हो। वो जहाज हमें धरती तक पहुंचा देगा, आप सब आ जाइए। शिप के कैप्टन ने वायरलेस से तट पर खबर दे दी थी, हेलीकॉप्टर हमारे लिए आया है। मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे छोड़ो। उधर ज्वालामुखी की तरफ ले चलो, एक पैसेंजर उतारना है। अब हम करीब उस पर्वत के ऊपर हैं। जाओ। और राका उसके अंदर चला जाता है। ये क्या नंग धड़ंगे चले आ रहे हो, कपड़े क्या चोरी हो गए हैं? चाचा चौधरी की ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।